तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कि नई वीडियो में। मेरा नाम है देवल लोधी और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों आपने जैसा कि न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि भाई यहाँ पे 70 करोड़ से ज़्यादा जीमेल आईडी को पब्लिक कर दिया गया। एक सोशल नेटवर्किंग शेयरिंग साइट पे आपकी जीमेल आईडी को अपलोड कर दिया गया और यहाँ पे आते हैं 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा कि आईडी पासवर्ड को हैक कर लिया गया है, जिसको भी शेयरिंग डाटा पे अपलोड कर दिया गया है, लेकिन इन सबको बाद में डिलीट कर लिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीमेल अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों हो सकता है इन सारी आईडियो में 70-72 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है इन आईडियो में आपका भी आईडी हो जो कि हैक कर लिया गया हो या फिर अपलोड कर दिया गया हो। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे सिक्योर हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि इस डेटा लीक में या पासवर्ड लीक में आपका भी आईडी है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप बड़ी आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको चले जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना हैव आई बीन प्यून्ड। तो इसके बाद सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर लिंक आ रही है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो रोबोट का ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है, यहाँ पे हम खुद एक इंसान हैं। इसके बाद हमको डालना है यहाँ पे एक जीमेल आईडी, जो कि जिस जीमेल आईडी को हम चेक करना चाहते हैं कि वो हमारी उस जीमेल आईडी के डेटा को लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे उस जीमेल आईडी को, इसके बाद कर देंगे ओके या प्यून्ड। तो दोस्तों आपको इसके अंदर डालना है अपना जीमेल अकाउंट और इसके बाद कर देना है सिंपली प्यून्ड पे क्लिक। तो इसके बाद आपके सामने भाई ऑप्शन आ जाएगा कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपके सामने गुड न्यूज आती है तो भाई आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेटा किसी तरीके से लीक नहीं हुआ है, आपकी जीमेल आईडी किसी तरीके से लीक नहीं हुई है। और दोस्तों अगर यहाँ पे रिजल्ट आता है कि ओ नो यू हैव बीन प्यून्ड, तो इसका मतलब है भाई आपके डेटा भी इसी में शामिल है, आपके डेटा को भी लीक कर लिया गया है। तो भाई इमीडिएटली जाइए आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कीजिए और इससे सिक्योर हो जाइए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट को चेक के भाई आपका डेटा भी लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लीक हुआ तो भाई उसको सिक्योर कर लें, इमीडिएटली अपना पासवर्ड चेंज कर लें, ताकि आपको कोई भी मुसीबत ना हो या आप किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं आपका जीमेल अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका अकाउंट है तो सिंपली आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड इमीडिएटली चेंज कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।